दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मराठी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, मिले चंगे होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जो आज की वीडियो है उसका टाइटल है मिर्जापुर 2-in-1 वाइंस की वीडियो है। इन्होंने स्पूफ बनाया तो देखते हैं, ये हर किसी को स्पूफ बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो देखने वाले हैं कि मिर्जापुर 2 तो इतनी खास नहीं थी, बट इनका स्पूफ अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने बाहुबली का स्पूफ देखा था और इन्हें यार जो करेक्टर्स की है ना, ढंग से उतारी थी ना, मजा आ गया था। So we hope the same for this as well. और देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है गाइस, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप ट्रेंड मराठी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे नए ब्लॉग चैनल स्मैक ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो 2-in-1 को भी सब्सक्राइब कर लेना। पार्टी प्रिंस ऑफ मिर्जापुर, हमारे विदाउट परमिशन यहाँ परिंदा भी पन्नी मार सकता, और बेंचे तुम यहाँ पे डांस कर रहे हो। चलिए बंद करिए, बहुत टाइम हो गया। चलिए मैं मुन्ना भैया कैसी बात कर रहा है, आपको कौन नहीं जानता। आओ मुन्ना भाई, डांस करो हमारे साथ। तुमका कर रहे हो यहाँ पर बैठे थे वेंचर, वो हमारी एक घंटे से गाने मार रहे हैं सारे के सारे, और तुम आराम से यहाँ पर बैठे हो तो क्या करें। तुम कुछ मत करो, तुमसे होगा भी कुछ नहीं, हम ही कुछ करते हैं। चलो बे। दो मिनट कालीन भैया से बात करनी थी। भैया जी, ये तो अपना कट्टा डिस्ट्रीब्यूटर है। भैया जी, हम आपके कट्टा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन्होंने हमसे कट्टा खरीदे थे और जैसे ही इन्होंने जी, हमने इसमें 10 किलो गेहूं भरे तो कट्टा हाथ में फट गया। बसड़े के 10 किलो गेहूं के लिए तुम हमारे दरवाजे तक चले आए। भैया जी, हमने इनसे मना किए थे लेकिन ये अपने पैसे लेने के लिए आ गए। कितने का था कट्टा? भैया जी 15 रुपए का। तो बहुत 15 रुपए में हम तुम्हें चीनी की बोरी देंगे। बोल, गाड़ी चलाओ। भैया जी पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का लगाना पड़ेगा। अब बोल, हर जगह बेइज्जती अच्छी नहीं रहती है। क्यों पे कंफर्ट है? हम सोचे यार स्वीटी को डेट पे लेके चलें आज। कौन बता, मैं तो ले जाओ। कब बोले बे? भैया हम बोल रहे थे कि डेट वेट पे जाने के लिए पैसा वैसा भी तो चाहिए होगा ना। पैसा वैसे की चिंता मत करो तुम, हमारे पापा आएंगे उनसे ले लेंगे सारा का सारा पैसा। हम नाश्ता तो तुम हमारे पास करते हो आके, पैसा उनसे मांगोगे। अबे क्या कह रहे हो बे, साफ साफ बताओ बहनचोद। हाँ छोटी, हाँ आ जाएंगे। क्या कितने बजे? हेलो हेलो, साले होन काम वाले का भी पापा पापा क्या क्या करने आओगे।
निकलो ठीक है बबलू, नकली कट्टे डरा रहे हैं हमको, नकली। ये बबलू असली कट्टा है ये तो। बबलू तुम्हारे भैया छोड़ दिया हम उसको, वरना एक पंच में साली की आंख काली कर देते हैं। और बात की पापा से यूट्यूब चैनल के लिए? अरे रहने दीजिए, आपके बात करेंगे पापा जी से, हम रील्स पर ही ठीक हैं। और वैसे भी YouTube पर हमारी कौन सी वीडियो ट्रेंडिंग पर चलने वाली थी? यही बात बहनचोद, अब TikTok वाले और रील्स वाले साले चूतिया होते हैं चूतिया। अब बहनचोद तुम में कितना भी टैलेंट हो, पर कहलाओ तो मुजरे वाले जाओगे। सही कह रहे हो गुड्डू भैया, अब हम ही को देख लीजिए, पहले TikTok पर हमारे 2 मिलियन फॉलोवर थे, पहले TikTok ही बैंड हो गया। गांड ना फुलाओ तुम्हारी, ऑस्ट्रेलिया का पैसा बताओ कितना हुआ। पैसा हमको पटवाते थे तो मजा आ जाता। भाई हम बोले थे अगर ये हमारी भाभी बन जाती तो मजा आ जाता। सही कह रहा हो भाई, आज आपकी भाभी है भाई। नमस्ते का भैया। हैं ए मुन्ना, इधर आओ, इधर परमिशन कौन लेगा, तुम्हारा बाप। पांक इधर, चलो इधर आओ। सदा बजे कम छोड़ो छोड़ो इसको, तुमसे 50 बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को लोंडियाबाजी से दूर रहना चाहिए, हैं? अब पढ़ाई वाले में ध्यान लगो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे घर में चुनौने उठ रहे हैं, अब हमारे खिलाफ लोंडियाबाजी करेंगे, हमारे स्वीटी को छेड़ेंगे। ये इसकी माँ का जानते नहीं है हमें कुर्बान चले आने वाले। मकबूल वो देख रहे हो 25 बीघा खेत अपना है। भैया जी वो तो हाजी मुस्तियाक का नहीं, उसके बराबर वाले जो खेत पड़ा है वो 12.5 बीघे का और कल्लन का। मकबूल हर जगह बेइज्जती अच्छी नहीं लगती। सॉरी। क्या हुआ? बोले थे ना आपसे अगली बार पैसे ज्यादा डाल के जाना। एक तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार आते हो, ऊपर से 5 का सिक्का डाल के जा रहे हो। ज्यादा पैसे चाहिए तुमको, अंबानी बना दें। थोड़ा मैं तो बना दे। चिंदा पकड़ना भोसड़ी वाले को चिंदा। भैया जी वो गाड़ी की चाबी दे दिए, पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे। गाड़ी में तेल नहीं है। पैदल हम नहीं जानेंगे, पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे। रेंद बहुत दूर भाग गया वो। क्यों भाई चच्चा, स्वीटे ख्याल नहीं रख रहे बिल्कुल भी। आगे से ध्यान रखेंगे भैया जी। हाँ ध्यान रखना, गन फाड़ देंगे आपकी वो जो छेड़ेगा उसकी भी। और भाई कंप्यूटर कल कौन सी मूवी लगने वाली है भाई? भैया जी Chapter 2 आ रहा है KGF का। ये तो बढ़िया मूवी है भाई। बढ़िया, चलो कल को देखते हैं ये, है ना? अरे मंत्री जी आइए जरा, कुछ माहौल क्रिएट करते। क्यों बे कंप्यूटर क्या बोलते हो?
भैया जी अगर सेठ साइडी हो जाती तो मजा आ जाता। बिल्कुल सही आइडिया दिया हमें। चलिए मंत्री जी पहल कीजिए कुछ। उसे देखे हुए एक अरसा हो गया। वाह। उसे देखे हुए एक अरसा हो गया, गए थे डेट पर गर्लफ्रेंड से मिलने, बहुत खर्चा हो गया। रुको बे, सुनो जरा, इधर गली इधर गली, क्यों बे कंप्यूटर बाबा करो बे भोसड़ी वालों, इधर गली इधर गली, बीच में पड़ी झाड़ू, आप और आपकी पलटन भाड़ू। एक जंगल में एक शेर और एक भालू, तेरी शक्ल जैसा कुत्ता भी ना पालू। रुकिए जरा मंत्री जी, ठहरिए, सुनिए जरा, इस शेर को रख दो बोतल में, गांड दे दो होटल में। म्यूजिक बंद कर मादकचोद। यमन्ना नहीं मुन्ना। कंप्यूटर लेकर जाओ इसको। चलो भैया, चलो मुन्ने भैया। चूतिया है आपका लड़का, शायरी नहीं आती इससे। शायरी नहीं आती ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पांक। आपकी कट गई ये इम्पोर्टेंट था। मुन्ना हमारे भी तो बेटे जैसे हैं कालिम भैया। तो लड़के जैसे हैं तो क्या कांड मारोगे उसकी। कहाँ रोक दी बे? मुन्ने भैया पेट्रोल खत्म हो गया। कंप्यूटर जाओ पेट्रोल लेकर आओ जल्दी फटाफट। हम कहाँ जाएं भैया? पांक। ये जाएगा, ये भी तो पूरी सहेली लेता। नहीं भैया नहीं, हर बार हम जाते हैं, अब कैसे इनको भेजो, हम नहीं जा रहे। नहीं चलो हमको ही जाना पड़ेगा। भैया एक मंडोल लिया ना, पहुंच मत लाना। अबे आप कहां से लाए मैं पेट्रोल? पहनचत कहीं दिखी ना रहा कुछ सामान। हो गया काम बे। फोटो भैया क्या कर रहे हो? कहा मना भैया हैं? पेट्रोल निकाले दिखने रहा क्या आपको? निकले यहाँ से। भैया मेरे पापा का स्कूटर है। कल गए माधव चौथ, तुमको पता नहीं हम कौन है? मुन्ना त्रिपाठी प्रिंस ऑफ मिर्जापुर। निकला मुन्ना भैया मेरे पापा का स्कूटर है। तेरी मुन्ना हमारे पापा का स्कूटर है। कालीन भैया बुलाएं। चलिए शुद्ध चूतिया लौंडे हो मुन्ना तुम। पांक। अब बोल चेयर लेकर आओ। वो रखिए। इस बहन के लौंडे को पता नहीं किस बात की सैलरी देता हूं मैं। क्या हुआ था? मुन्ना भैया हमारे घर आए थे, हमारा अब्बा का स्कूटर में तेल चोरी कर लिए, फेल दिए। दोबारा करेंगे हम, दोबारा फेलेंगे। साले पेट्रोल चोरी नहीं किए थे हम।
गालियां भेजी थी पड़ गए ठंडा। कब तक बचाओगे पेट्रोल? अगली बार मुन्ना तुम्हारे घर पहुंचे और तुम नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए और जिंदा वापस ही नहीं गए, रिक्स तो वहां भी है कालीन भैया। बोलते स्कूटर ना मिला उन्हें। काम करोगे हमारे लिए? दाढ़ी क्या दोगे? 300। प्रधान जी तो 500 रुपए दे रहे हैं हमें। तो जा वहीं कर। 300 में कर लेंगे हम। मुन्ना भैया, कालीन भैया ने सही नहीं किया आपके साथ, गुड्डू और बबलू को काम पर रखकर। स्कूटर? मुन्ना स्कूटर को लेके इसकी माँ का स्कूटर को लेके। अगर आप देखोगे ना इन द एंड तो विक्रांत मैसी अपना जो रंग दिखाता है ना मिर्जापुर में,
कमाल हो जाता है। और टू भी कंटिन्यू कर रहा है तो मुझे लगता है मिर्जापुर टू से ये कनेक्ट कर सकते हैं आगे जो और वन के भी कुछ जो सीन्स है उसे। और प्रॉपर ये बात आपने नोटिस की होगी कि थ्रू आउट द वीडियो ना वीडियो को कनेक्ट किया गया था, जैसे उसमें एक चीजें कनेक्ट हो रही थी तो इन्होंने भी सीन्स को पूरा कनेक्ट किया था कि उसमें स्कूटर जुड़ गया। बहुत तरीके से है ना चीजें बनाई है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों ये तो हमारे व्यूज थे, आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। ना पार्ट टू चाहिए आपको मिर्जापुर का तो प्लीज उनके चैनल पर जाओ, उन्होंने कमेंट किया और उनकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।